क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टाइप्स ऑफ एंगल्स। कल भी हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, तो आज हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। Two angles are said to be adjacent. Said to be adjacent if they have a common vertex, a common arm, and the other two arms or the non-common and the non-common arms or on different sides of the common arm. For example, हम यहाँ पर लेते हैं, ये एक रे है, यहाँ एंगल बन गया। अब इसी एंगल के ये एक कॉमन आर्म है, ये एंगल वन और एंगल टू जो है ये एडजेसेंट एंगल से कि इनका उनका जो यहाँ पर है वर्टेक्स से सेम है, और ये एक आर्म इस एंगल की भी यानी एंगल वन अलग है और एंगल टू अलग है, ये दो जो आर्म्स हैं ये इसके दोनों तरफ हैं, तो ये दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं। अब हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़े। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स टू एडजेसेंट एंगल्स आर said to be linear pair if their sum is 180 degree। जैसे हम यहां लिखते हैं, ये एक लाइन है, अगर हम ऐसे इसको एक और ये इन दो एंगल्स की यानी इस एंगल और इस एंगल की कॉमन आर्म है, तो ये दोनों एडजेसेंट है मगर इनका सम जो है इट इज 180, दोनों एंगल्स का सम है 180। तो अगर हम इसको नाम भी लिखेंगे, सपोज ए बी सी डी, तो एंगल ए बी सी इज एडजेसेंट टू एंगल सी बी डी। तो यहाँ भी आप इसको नाम लिख सकते हैं ए बी इस तरह सी और डी, तो यहाँ पर भी है ए बी और ए सी जो है ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ए वर्टेक्स है और ये ए डी जो है ये इन दो एंगल्स के दरमियान जो है वो कॉमन आर्म है, तो ये एडजेसेंट हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हर एक लीनियर पेयर जो होता है वो एडजेसेंट होता है, मगर हर एक एडजेसेंट लीनियर पेयर नहीं होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो ज़रूरी नहीं है 180 के बराबर होगा, मगर लीनियर पेयर का सम 180 ज़रूरी होना चाहिए। इसके बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइनस
when two lines intersect each other, intersect each other, then they are vertically opposite angles or equal, यानी जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब बनते हैं, जब दो लाइनस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने ऐसे एक लाइन ली है, इसका नाम हम लिखेंगे सपोज ए बी। यहाँ से जब एक और लाइन यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट किया, इस लाइन को, ये है सी डी, तो ये पॉइंट है ओ। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, यानी ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOC और एंगल AO यहाँ ये है ए बी और ये है सी डी, तो यहाँ डी होगा AO AOD और BOC AOD यहाँ पर है, तो यहाँ AOC इक्वल टू एंगल BOD। ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं। तो इन तीन चीज़ों को आप जहन में रखें, ये हमें आगे क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेंगे।